आज कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिला के अल्पसंख्यक दलित पिछड़े और मुस्लिम समुदाय का चुनाव में शत प्रतिशत भागीदारी पर आभार व्यक्त किया गया। कैप्टन मोनिस नकवी ने कहा कि हम इस चुनाव में शायद बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात स्वर्ण समुदाय तक नहीं पहुंचा सके, इसलिए अब हमें स्वर्ण समुदाय पर विशेष काम करने की ज़रूरत है। दीपक वाजपेयी ने पेपर लीक का मामला उठाया। जिला अल्पसंख्यक प्रवक्ता अब्दुल कवि ने एक सवाल के जवाब में कहा कि AIMI बस मुस्लिम हितों की बात करती है और कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, हम सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष यूसुफ खान ने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए जनता का चुनाव में साथ देने के लिए आभार व्यक्त किया और आशा की कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह हम एक होकर अपनी भागीदारी निभाएंगे और सफल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अल्पसंख्यक महासचिव रजमुद्दीन शाह के साथ बहुत से पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। चौथी चीज बलिया का जो आपका एयरस्ट्रिप बन रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के समय उस एयरस्ट्रिप का उद्घाटन राजीव गांधी जी के कार्यकाल के समय किया गया था। अब उसका विस्तार हो रहा है, उस पर भी बात की उन्होंने कि इसको अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि नया सत्र जब टूरिज्म का आएगा धनवा में नवंबर ऑनवर्ड्स, तब तक ये हमारी एयरस्ट्रिप बन के तैयार हो, इसका फ़ायदा टूरिज्म सेक्टर को मिले और यहाँ पर आम जनता और आम आगे मिल पाए। इसी तरह जो यहाँ पर IDI हम लोग दो अपने कार्यकाल में लेकर आए थे, ब्लॉक बाकीगंज और ब्लॉक गोला के अंदर, वो पिछले 10 साल से खड़े हुए हैं और उनको ये 10 साल से भारत की सरकार या प्रदेश की सरकार या किन्हीं कारणों से राजकीय IDI को खुलवा नहीं पा रही है, शुरुआत नहीं करा पा रही है। वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करना चाहिए उनको मौका नहीं मिल रहा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, उनको अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि हम जो संबंधित अधिकारी हैं अलग अलग विषयों के, उनको हम अतिशीघ्र बात करेंगे और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम। आपके प्रेस विज्ञप्ति ने एक बात कही है कि सरणों का वोट गठबंधन को नहीं मिला, आपके गठबंधन को नहीं मिला, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला जी, सरवण का वोट मिला जरूर है लेकिन ज्यादा संख्या में नहीं। तो कहीं ना कहीं हमसे ये चूक रही है कि हम अपने मुद्दों को, अपने मैनिफेस्टो को, अपनी नीतियों को उन तक नहीं पहुंचा पाए। तो बात यह है कि अब हम अलग अलग माध्यम से, चाहे हमें लीडरशिप डेवलप करनी पड़े जिले में, चाहे और माध्यम से, हम उन तक पहुँचेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि अगले आने वाले विधानसभा चुनाव तक इस समाज का वोट भी हमको पूर्ण तरीके से प्राप्त। जैसा कि आपको कहना है कि वोट नहीं मिला, जो हमारे प्रतिनिधि जो जीते हैं वो क्या उन सभी के लिए काम करेंगे जिनका वोट मिला है या ना मिला? देखिए, मैं आपको बताऊं एक चीज, जब आप चुनाव लड़ते हैं तब तक मामला दूसरा होता है, जब आप चुनाव जीत जाते हैं तब आप सबके प्रतिनिधि होते हैं। एक एक व्यक्ति, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे विपक्ष का बड़े से बड़ा नेता हो और चाहे आम जनता का आम नागरिक हो, तो आप सबके प्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो हमारे माननीय सांसद बने हैं टिहरी के और भोरारा के, वो सारे समाज को साथ लेकर चल सकेंगे, सबको लेकर चलेंगे और उन तक भी पहुंचेंगे। और मुझे तो लगता है ये कि भाई दो बार वो विधायक भी रह चुके हैं सदर से, ऐसा नहीं है कि अगर उनको सर्वा बिरादरी का वोट नहीं मिलता था और विधायक बन गए, तो इसलिए उनका 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 मोटिव यही रहेगा कि सभी समाज को लेकर आगे चले। स्वास्थ्य की बात आपने करी, अभी स्वास्थ्य मंत्री अभी इस समय हमारे जिले में है, जिले में कम से कम हजारों की संख्या में जो भोला साहब डॉक्टर हैं, इनका एक पूरा ग्रुप है, नेटवर्क है जिनका, इसके लिए कांग्रेस समिति क्या स्वास्थ्य मंत्री को कोई ज्ञापन या चाहे कुछ शिकायत या कुछ ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी, जो भी समस्याएं हैं उनको विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है कि हम उसको संबंधित लोगों तक ले जा सकें और जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड हम लोग, जैसे कल मैंने आपको बताया माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसी मेन विषय स्वास्थ्य का था जिसके ऊपर बाकी और विषय थे, लेकिन मेन विषय स्वास्थ्य का था कि 50 लाख से ऊपर की
आबादी है लखीमपुर खीरी की, तो बिल्कुल हम लोग उसको लेकर आगे जाएंगे और जो भी हम लोग को ज्ञापन प्राप्त होगा या एप्लीकेशन प्राप्त होगी उन तक हम पहुँचाने का पूरी कोशिश। क्या मोदी साहब का पूरी विकास जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अल्पसंख्यक विभाग है उसकी तरफ से उत्तर प्रदेश के सारे 75 जिलों के अंदर ये कॉन्फ्रेंस आज की डेट में कर रही है और जो प्रदेश के चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब हैं उन्होंने जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं और नेता हैं उनसे कहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता का आभार व्यक्त कर सकें कि खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज और जितने भी और समुदाय हैं जिनकी कोशिशों से और जिनकी मेहनत से जहाँ जहाँ हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजयी हुए हैं उनका आभार व्यक्त करें, उनका शुक्रिया अदा करें। ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका। जाफर अली नकवी जी का मुख्यमंत्री जी से मिलने का क्या उद्देश्य था? देखिए नकवी जी की राजनीति हमेशा विकास की राजनीति रही, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे ना हो। जब सत्ता में थे आपको पता है लखीमपुर खीरी जनपद में उन्होंने बड़े 5 साल में अपने टेलीवर में बड़े बड़े काम कराए और जब विपक्ष में है उसके बावजूद भी उनका मोटिव हमेशा रहता है कि विकास को एक फोकस लेकर चाहे उनकी सरकार हो चाहे दूसरे दल की हो, हमारे जो विकास कार्य रुके हुए हैं खासतौर पर जनपद खीरी के लिए, जैसे एक बड़ी चीज़ जो आपको बताते हैं यहाँ की हेल्थ की समस्या है, यहाँ पर जो ट्रॉमा सेंटर बना था तो बड़े बड़े बात किए गए कि यहाँ की सारी हेल्थ की समस्याएँ दूर हैं। 50 लाख के ऊपर की आबादी का ये जनपद है और स्वास्थ्य के लिए आपको पता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, उसके दूर दूर से लोग जिला अस्पताल आते हैं जिनको इमरजेंसी या कभी कोई जरूरत पड़ जाती है। आज उस अस्पताल को 10 किलोमीटर दूर ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं हमसे बेहतर आप जान सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उससे कितना समय लगेगा बनने का, जिसका फ़ायदा आम जनता को मिल सके। तीसरी चीज़, यहाँ पर जो पिछले 10 सालों से लगातार मीडिया के माध्यम से और विपक्ष के तमाम लोगों के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई एक यहाँ पर हार्ट का कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, हार्ट की समस्या लोगों को होती है तो उनको सिवाय यहाँ के लखनऊ जाना पड़ता है। आज लखीमपुर मुख्यालय पे आपकी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ मुख्य बिंदु है, आगे लेकर क्या निर्णय लिया गया है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जी और ये पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में एक साथ का आगे कार्यक्रम है तो सभी जिलाध्यक्षों को इसके लिए। आपकी पार्टी एक बड़े विपक्ष के रूप में सरकार के सामने बैठी हुई है, क्या कुछ निर्णय में सहयोग जाएगा सरकार का या विराम लगेगा? सरकार कोई भी सकारात्मक काम करेगी विपक्ष में निश्चित रूप से सहयोग करेगी जी, और अगर सरकार जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से नकारात्मक राजनीति करती रही है जी, विकास विरोधी कार्य करती रही है जी, उसका सड़क से संसद तक पुरजोर विरोध जी। एक आखिरी प्रश्न है, अभी लखनऊ में अकबरपुर मोहल्ले में जो बांध के नीचे वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आवास गिराए गए, देख देख VIP आवास जो शायद करोड़ रुपए से भी लगा के ना बन पाते, इस संबंध में कार्रवाई किसको होनी चाहिए, क्षेत्रीय लेखपाल पे, क्षेत्रीय चेयरमैन नगर या नगर निगम पे या जिसने मकान बनाया उस पे? निश्चित रूप से कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जिन्होंने वहाँ मकान बनाने की इजाजत दी, जिन्होंने वहाँ के नक्शे पास किए, जिन्होंने वहाँ पानी की सप्लाई दी, जिन्होंने वहाँ बिजली के कनेक्शन दिए, कौन जिम्मेदार है? आप लखीमपुर के रहने वाले हैं, आप लखनऊ में कहीं जाकर के एक प्लाट खरीदिए, आपको क्या पता इसके पीछे क्या करिए, आपने उसकी रजिस्ट्री कराई, आपने नगर निगम में नक्शा पास करने का आवेदन दिया, आपका नक्शा पास हो गया, आपको बिजली कनेक्शन दे दिया गया, आपको पानी कनेक्शन दे दिया गया, उसके बाद मकान बैठे साहब मकान छोड़ दिए थे, ये तो तानाशाही है और इस तानाशाही का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर, जो भी इसके जिम्मेदार है उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल में। या आप लखीमपुर के रहने वाले हैं, अभी लखीमपुर ताजा मामला आया था 2 दिन पहले कि यहाँ पे कुछ राजापुर ग्राम के लोग पानी टंकी वाटर टैंक का कार्यालय पड़ोस में ही चढ़े थे,
उनका कहना है कि हमारी जमीन 17 रुपए 54 पैसे प्रति वर्ग फीट के हिसाब से दी जा रही है। उसमें राजापुर के किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है जी, उन्हें बहुत लंबे समय से आवास विकास उद्योग में झीले दे रहा है ना जी, न उनकी जमीन का पैसा दे रहा है न उनकी जमीन जी, ताकि कोई अपनी जमीन बेचना चाहता है बदलना चाहता है उस सारी कार्रवाई पर रोक लगी और उसको जमीन का उचित मुआवजा दे करके उसका अधिग्रहण करके कॉलोनी भी नहीं बनाई जा रही है। तो वहाँ के किसान बहुत बड़ी परेशानी में हैं, हम सब उन किसानों के साथ खड़े हैं, आगे इस पर हम विचार कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी खड़ी कर रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया किस संबंध में था? और हमको भी इसके लिए आदेश मिला है हमारे जो देश अध्यक्ष हैं शाहनवाज आनंद साहब, हमको फोन किया कहा कि आपको हमसे सुनिए चलो 24 तारीख को इसी संबंध में ये भी आप सबको बुलाया गया और आप सब लोग आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्र हुआ। और पूरे जिले से अल्पसंख्यक ने जो मतलब मेहनत की हमारी टीम ने, हमारी टीम के 276 लोग जो कमेटी के हैं इसमें अल्पसंख्यक के जिला सचिव हैं, महासचिव हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं वगैरह उपाध्यक्ष हैं, सभी ने बहुत मेहनत की है, दोनों प्रत्याशी हमारे जीते हैं हमारे ज़िले से, इसलिए हम पूरे ज़िले की जिन लोगों ने हमको हमारे ज़िले के दोनों प्रत्याशियों को वोट दिया हम उनका सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ये जो है आगे भी हम लोग इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जितना भी हम आगे ले जा पाएंगे ले जाने के लिए काम करेंगे। इसी के साथ अपनी बात में काम करते हैं, धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है इस संबंध के मुख्य बिंदु क्या थे? सबसे पहले तो मैं लखीमपुरी और धारा की जनता को अल्पसंख्यक समाज धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने जिस लोग कहा करते थे कि अल्पसंख्यक समाज को एक जगह पर नहीं आ सकता, एक प्लेटफॉर्म पर, खासकर अगर मैं बात करूँ मुस्लिम समुदाय की तो कभी भी नहीं, एक इतिहास बना है इसमें कि पूरा अल्पसंख्यक समाज और पूरा मुस्लिम समाज और जब एक साथ मिल के वोट किया है तो एक प्लेटफॉर्म पर है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले चुनाव में इसी तरह से जो एक साथ सब मिलकर और आने वाले चुनाव में भी इसी गठबंधन के साथ में इसी मिलकर लड़ाई करेंगे। ऐसा क्या है कि जो आपका अल्पसंख्यक विभाग है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्यों नहीं जा रहा? असदुद्दीन ओवैसी क्योंकि कांग्रेस में हम बचपन से पूर्वज कांग्रेस में रहे और असदुद्दीन ओवैसी का एक पर्टिकुलर जहाँ तक है समझता हूँ कि उनकी एक मुस्लिम छवि है और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, तो सेकुलर पार्टी के साथ में जाने का मतलब कि हम सब समाज को लेकर एक साथ चलते हैं, इसलिए और असदुद्दीन ओवैसी जब भी बात करते हैं तो वो बात करते हैं सिर्फ समुदाय के उत्थान। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें आपका नाम प्रशंसा के साथ लिया गया कि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में आपका बहुमूल्य योग रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे संबंध में? अपना परिचय दीजिए पहले। हमारा नाम राम कुमार राज, वकील है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जी। और जो आप बता रहे हैं कि नाम सम्मान के साथ दिया जा रहा है, ये हमारे अकेले दल से नहीं हुआ है, हमारे लखीमपुर खीरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में जिस तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों ने बढ़ चढ़ के इंडिया गठबंधन को वोट किया है, उसके लिए माननीय राहुल गांधी जी माननीय प्रियंका गांधी जी के मेहनत के साथ साथ जो अनुसूचित जाति विभाग है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों अभी तक ये जो भाजपा पार्टी भाजपा के साथ में थे अब वहाँ से वोट छिटक करके कांग्रेस पार्टी में मूल अपने स्थान पर जहाँ पहले था वहाँ से फिर दोबारा आने का काम किया है। और हम लोग जिस तरीके से जिस स्पीड में काम कर रहे थे इसी स्पीड और इसी तरीके से काम करते हुए 2027 में भी चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन अगर रहता है तो इंडिया गठबंधन के साथ, अगर इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा तो हम लोग पूरी मेहनत के साथ में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे 2027 में। इसी के साथ साथ मैं पूरे लखीमपुर खीरी वासियों को
अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ समस्त एससी ओबीसी वैसे को लोगों का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों की मेहनत से हमारे खीरी लोकसभा के माननीय उत्कर्ष वर्मा जी और धौरहरा लोकसभा के माननीय भदौरिया जी जीत करके लोकसभा पहुँचे हैं। हमें उम्मीद है कि ये दोनों प्रत्याशी लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऊपर हो या अत्याचार के ऊपर लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। इससे आपका जिला नेता बड़ी प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय गांधी पार्टी।